हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप अपने छोटे बच्चे की डार्क स्किन का कलर लाइट एंड ब्राइट किस तरीके से कर सकते हैं नेचुरली। सो फ्रेंड्स, आप खुद ही देखोगे इस मेथड को अप्लाई करने से आपके बच्चे की स्किन का जो कलर है फेयर हो गया है एंड नेचुरली फॉर्म में आ गया है। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक कटोरी लेना है, कटोरी में ऐड करना है 1 चम्मच बेसन। आप जितना भी अप्लाई करना चाहते हो उतना बेसन आप ले सकते हो, और आप अपने बच्चे की स्किन को नरिशिंग मॉइस्चराइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 चम्मच मलाई लेना है। मैं यहाँ पे मलाई को स्किप कर रही हूँ, 1 चम्मच दूध ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ड्राई स्किन लगती है तभी आपको मलाई लेनी है, अगर नॉर्मल है तो 1 चम्मच दूध से चल जाएगा। उसके बाद आपको पानी ऐड करना है, पानी को अच्छे से मिला लेना है बेसन के अंदर। हल्की फुल्की सी अगर गांठें रह जाती है तो नो प्रॉब्लम, जब आप बेबी को नहलाओगे ना उस टाइम पे ये गांठें फूट जाती हैं अपने आप ही। इस मिक्सचर को अच्छे से रेडी कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है बिल्कुल नेचुरल है, आपके बेबी के लिए कोई भी हार्म नहीं होगा। 3 साल तक के बच्चे को ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद अपने बच्चे के ऊपर ट्राई किया है इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब ये मिक्सचर आपका रेडी हो जाए तो आप अपने बच्चे को इजीली नहला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बेबी का हेड वॉश कर लेना है आराम से, जैसे भी आपका बेबी करता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे मैं अपने बेबी का हेड वॉश कर रही हूँ। हेड वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिमालय का शैम्पू। उसके बाद आप देखोगे बेबी को मैंने अच्छे से नहला दिया है। और ये चीज़ जो आपको है ना सर्दी में अपने बेबी के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे को सर्दी लगने का डर रहता है। तो बच्चा हो सकता है आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने ये मिक्सचर ले लिया है, और जहाँ जहाँ पे आपके बेबी की स्किन डार्क लगती है ना वहाँ वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप इसको ना न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, बट ध्यान रखें नाक आँख कान मुँह में ना जाए। सो आप देख पाओगे मैं अपने बेबी के हैंड पे ये लगा रही हूँ, पूरी बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ। सो ये ना मैंने जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न था, तो आप ना मेरी पिछले व्लॉग देख पाओगे कि मेरे बेबी का ना स्किन का जो कलर है वो डार्क था। तो जो मालिश वाली आंटी थी उन्होंने मुझे ये मेथड बताया था कि बेसन से बेबी को आप नहलाओगे तो नेचुरली बेबी का जो कलर है वो निकल के आएगा। सो ये नेचुरल होम रेमेडी है, इसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ही हल्के हाथों से। मैंने स्पीड तेज किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको आप 2 से 3 मिनट फेस पे रख के भी छोड़ सकते हो, इतना आप बॉडी में लगाओ और उसके बाद पानी से वॉश कर दो फेस को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बेबी के लिए लेके आते हो, 1 मंथ 2 मंथ यूज़ करते हो, उसके बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि हमने बेबी के ऊपर अप्लाई करा और कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सही टाइम पे सही चीज़ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि ये होम रेमेडी। आप इसको अप्लाई करोगे 1 मंथ तक और फिर उसके बाद आप खुद ही देखोगे आपके बच्चे की स्किन का कलर जो है ना एकदम से ब्राइट हो गया है, साफ़ हो गया है। आपको खुद ही लगेगा कि आपके बच्चे की स्किन जो है ना एकदम से सॉफ्ट आपको खुद ही नज़र आएगी। 1 मंथ इसको अप्लाई करके ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, ये जो मेथड आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये गोरा करने के लिए नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी क्रीम आपके बेबी को एकदम से गोरा नहीं कर सकती है। सो आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख पाओगे, जब मेरा न्यू बॉर्न बेबी था तो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, एंड अभी आप देखोगे बेबी का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, साफ़ है। ठीक है, गोरा हमें बेबी नहीं करना है, हमें बेबी का जो एक्चुअल कलर होता है ना वो लेके आना है, जो आपको इस होम रेमेडी से मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने बेबी को नहला दिया है, आपको इसी तरीके से बेबी को नहला देना है। और मेरा बेबी जो है ना बहुत मस्ती करता है, बेबी जब नहा जाए, और आपको ठंडी का ध्यान ज़्यादा रखना है, इसको ठंड में आप ज़्यादा अप्लाई ना करें क्योंकि बच्चे को सर्दी लगने का डर रहता है। सो आप देखोगे मैंने बेबी को नहला दिया है, नहलाने के बाद बेबी का जो कलर है कुछ इस तरीके का है, आप देख पाओगे। मैं बिल्कुल नेचुरल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो बेबी के कलर से रिलेटिव। तो यहाँ पे बेबी को ना अभी निन्नी कर रही है और बेबी मुझसे गुस्सा हो रहा है कि मम्मा आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप मुझे सुला दो। सो फ्रेंड्स, बेबी का जो कलर है ना आप देख पाओगे, जो एक हमारी ऊपर से परत जम जाती है ना कालेपन की, वो अलग से दिखाई देती है। इसमें क्या है ना, इस उपटन में स्क्रब भी हो जाता है एंड आपको साबुन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बेबी का जो स्किन है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बेबी स्किन जिसको बोलते हैं। सो आप इसको अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं ईजीली बच्चे के ऊपर, बस ठंडी से आपको बचाना है। न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने तो यही अप्लाई करा है। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।